हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एस पी डी ब्लॉग्स। तो गाइस कैसे हैं आप सब? होप करते हैं आप सब ठीक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो भाई आज हम जा रहे हैं एक नई जगह पे, वो समुद्र के बीचों बीच। और हमने भाई सामान पैक कर लिया। देखो ये अपना बैग है और ये अंकल जी ने अपने कपड़े वगैरह डाले, मैंने इसी में डाल लिए। इसमें मैंने स्लीपिंग बैग रखा था ना, वो निकाल दिया। अभी ये छोटा वाला बैग भी लेके जाऊंगा। तो चलते हैं अंकल जी, कैसे मजे आने वाले हैं? आज तो मजा आने वाला है। अपन जाएंगे एलिफेंटा कैव, एलिफेंटा कैव और धारापुरी, धारापुरी वहां से निकलेंगे हम शायद अलीबाग। अलीबाग क्या बात है, अलीबाग में भी बीच पे मजा करेंगे, बीच में मजा करेंगे। तो चलते हैं और एंजॉय करके आते हैं, असली मुंबई का मजा आज लेने के लिए जा रहे हैं। तो अंकल जी अपने साथ में, आज अपने साथ में स्वप्निल भाई नहीं है, तो मैं और अंकल जी दोनों जा रहे हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। कैसे कैसे जा रहे हैं? लोकल से जाएंगे, बस से जाएंगे, जैसे जैसे जाएंगे ना, फुल ऑन एंजॉय आने वाला है भाई। लोकल में बैठने का मजा ही अलग है। मुंबई की लोकल में अगर बैठ गए ना आप, तो आपने सब कुछ देख लिया समझ लो भाई। ये देखो, दो दिन से रुके पड़े, इतनी ज़्यादा हवाई जहाज देख लिया ना मैंने यहाँ पे। यहाँ से ना एयरपोर्ट नज़दीक में है, तो काफ़ी ज़्यादा फ्लाइट इधर से जाती है, तो लैंड इस तरफ से होती है और चढ़ती है ना उस तरफ से, दूसरी वाली साइड से, बहुत देखी है मैंने। तो भाई ये है घाटकोपर का रेलवे स्टेशन, जहाँ से हम जाने वाले हैं। यहाँ से लोकल ट्रेन पकड़ेंगे और पहुँचेंगे हम वीटी, तो मुंबई सेंट्रल है ना उधर के लिए। तो यहाँ पे ना देखो टिकट के लिए कितनी भीड़ लग रही है। बाहर की साइड जो दुकान है ना, वहाँ से आपको टिकट मिल जाएगी। वो 1-2 रुपये एक्स्ट्रा लेते हैं और टिकट आपको दे देते हैं हाथों हाथ। लाइन में खड़े होने का कोई झंझट नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस आगे अपने लोकल ट्रेन और पूरी भरी हुई है, देख लो इतने इतने लोग चढ़े हुए हैं। अपने को बीच में चढ़ना पड़ेगा, भरी हुई में भीड़ में मजा है भाई। मुंबई की जो लोकल है ना, उसमें भीड़ में मजा है, खाली में मजा नहीं है। चलो चलो बापरे, तो पहुंच चुके हैं भाई अपन जहाँ पे अपने को पहुंचना था, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। ये है भाई, देख लो क्या तगड़ा बना रखा है, ऊपर से पूरा एकदम कवर कर रखा है। बारिश वारिश है तो टेंशन ही नहीं है इधर, मस्त वाला है। और इससे हम अपना ये लास्ट स्टेशन है, इसके बाद में आगे समुंदर ही लगता है सीधा। तो चलते हैं यहाँ से भाई, बोट पकड़ना पड़ेगा और बोट से जाएंगे आगे अपन। तो भाई जो मुंबई का मेन स्टेशन जो बाहर से दिखता है ना, वो ये वाला भाई। रात में तो इसका व्यू बहुत ही प्यारा वाला आता है, लाइटिंग वाइटिंग हो जाता है। ये भाई सामने से दिख रहा, देख लो CSMT, इसका पहले नाम था भाई VT, विक्टोरियल टर्मिनल। अभी इसका नाम चेंज कर दिया, इसे कर दिया छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। और भाई बाहर की तरफ ये मेन रोड है, और इधर से ना आपको जो सिटी बस है वही साइड से मिल जाएगी। जो लोकल आप ट्रेन से आते हैं ना, बाहर निकलते हैं तो सामने की तरफ, उधर से आपको बसें वगैरह मिल जाएगी। तो चलते हैं अभी, यहाँ से अपने को जाना है गेटवे ऑफ इंडिया पे, और वहाँ से अपने को बोट करने हैं, बोट लेके फिर आगे जाएंगे। वार्नर सामने बैठा वाला, ये पूरी टीम कल मैच था ना इधर, तो इधर सारे आए हुए थे आज। तो ये एलिफेंटा के लिए एक टिकट जो है ना, वो 260 रुपये का है। अपन ने टिकट ये देखो ये ले लिया, ये डिलक्स वाला है, और उसमें सस्ता भी है एक, जो कि है आपका 170-180 रुपये का। तो 102, तो हमने तो 260 वाला लिया। फिर से आ चुके हैं गेटवे ऑफ इंडिया पे। ये लो जी, फिर से आगे समुंदर पे। ये वाला अपना बोट, इस पे जाने का अपने को भाई, अब की बार बहुत अंदर तक जाएंगे, पूरा समुंदर देख के आएंगे। गहराई नाप के आएगा आपका भाई। तो भाई बोट राइड अपनी स्टार्ट हो गई है, लगभग लगभग 1 घंटा लगेगा अपने को वहाँ पहुँचने में। सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह चाहिए, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, चिप्स वगैरह, वो सब कुछ यहाँ पे मिल जाता है। बाकी बोट फुल है भाई, काफ़ी सारे लोग बैठे हुए हैं, अंकल जी कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। क्या बात, चीयर्स। फाइनली 1-1.5 घंटे के बाद में हम पहुंच चुके हैं जहाँ पे अपने को पहुंचना था। तो यहाँ उतरना है, ये उतरने के लिए भाई एक बोट से चिपका के दूसरी बोट चिपकी है, और अपने को उधर सीढ़ियों पे जा रही है ना सामने, उन सीढ़ियों पे जाने का। चलो भाई चलो 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 चलो, सामने की तरफ है भाई वो टापू जहाँ पे वो गुफाएँ बनी है ना, वो उस तरफ है। तो इधर से पैदल पैदल जाने का है, पहल पहल लोग जो आ रहे हैं ना सारे यहीं से आ रहे हैं। वापसी यहीं से आपको बोट जो है ना, टिकट अप एंड डाउन दोनों दोनों की टिकट थी ना वो आने जाने की। हाँ, तो 260 में आना जाना था। बाकी यहाँ पे दुकानें वगैरह लगी है, खाना पीना हो, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइड में आती है,
इकलौती एक ऐसी जगह है जो समुंदर के बीच में ना गुफाएं बनी हुई है, इकलौता बस वो यहीं पे है मुंबई में। मार्केट भी लगी हुई है और यहाँ पे ट्रेन भी चलती है जो एक सस्ता जा रहा है ना, पैदल जाना हो पैदल जा सकते हो नहीं तो ट्रेन से भी जा सकते हो। तो अभी टॉय ट्रेन आई हुई नहीं थी तो हम तो जा रहे हैं पैदल ही। वैसे टॉय ट्रेन में अगर आपको जाना हो ना तो चार्ज लगते हैं, 18 रुपये की टिकट मिलती है पर पर्सन की, 5 साल से नीचे की टिकट नहीं लगती है। चलते हैं भाई टापू पर देख के आते हैं। बाकी यहाँ पर जो हवा चल रही है ना, क्या ठंडी ठंडी प्यारी प्यारी हवा चल रही है यार, गर्मी ऊपर से लग रही है साइड से ठंडी हवा लग रही है। और ऐसा नज़ारा भाई यहाँ का, बोट पे बोट आई जा रही है भाई, पब्लिक बहुत आती है बहुत ज़्यादा मस्त यार। बहुत दूर आ गए, बम्बई सिटी तो पता ही नहीं किस एरिया में किस साइड में दिखी रही यहाँ से कुछ नहीं क्या। बम्बई से दूर आ गए मांडवा, मांडवा भी था इधर, इधर में एक जगह है मांडवा जो आपने अग्निपथ मूवी में देखी ना, मांडवा टापू बना मस्त यार, मस्त जगह है इधर। भाई इधर जाने के लिए ऊपर में ना सीढ़ियाँ हैं, 120 के आसपास सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी अपने को। 120 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद ऊपर पहुँचेंगे। और रास्ते में ना ऊपर की तरफ आप देख रहे हो ये लगा रखे हैं पर्दे वगैरह, धूप वगैरह ना लगे इसके लिए। और भाई यहाँ पे टिकट भी लगता है पर पर्सन का 5 रुपये टिकट है। तो इस तरफ से अपन नीचे से आए थे और यहाँ तक चढ़ चुके हैं, उस तरफ ना कैनाल लीला है, 10 मिनट लगेंगे। साइड सीइंग व्यू अच्छा था। और इस तरफ मैं देखो लिखा हुआ है एलिफेंट केव वर्ल्ड हेरिटेज साइट। बाकी चढ़ने में आपको 10-15 मिनट लगेंगे, सीढ़ियाँ ना खड़ी है थोड़ी सी, थक जाएंगे जो एजिड लोग रहेंगे। बाकी अपन तो आगे नीचे तक। ओहो इधर टिकट यार फिर से लगेगा, 5 रुपये टिकट पहले लिया गया था, यहाँ दोबारा से एक और टिकट लेना पड़ेगा। 40 रुपये का टिकट है इधर में लिखा हुआ है सामने की तरफ। सो गाइस अंदर आ चुके हैं और यहाँ पे है ना यहाँ का जो इतिहास है वो सारा कुछ लिखा हुआ है कि यहाँ का नाम क्या था। यहाँ का वैसे नाम पुराना जो नाम था ना प्राचीन धारापुरी था, अभी इसका नाम एलिफेंटा केव है। वो एलिफेंटा केव क्यों पड़ा इसका नाम तो ये सारा आप यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसके थ्रू आप पढ़ सकते हैं, हिंदी इंग्लिश और मराठी तीनों भाषाओं में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो चलते हैं अभी गुफाएं के अंदर क्या क्या है देखते हैं। भगवान भोलेनाथ की बताते हैं, अंदर मूर्तियाँ वगैरह बनी हुई है वो भी पहाड़ को काट के जो बनी है वैसे ही बन रखी है, तो देख लेते हैं अंदर चल के। तो भाई आ चुके हैं अंदर की साइड में और ये देखो भाई कितनी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ ना बनी हुई है, ये देखो मतलब खंडित है, मूर्तियाँ पूरी नहीं है अभी, क्या खंडित हो चुकी है काफ़ी ज़्यादा। और कुछ कुछ मूर्तियाँ जो है वो अभी मतलब एज इट इज है, खंडित नहीं हो रखी है, उनको भी देख लेते हैं सामने एक तरफ है। हमारा शिवलिंग भगवान भोलेनाथ का, ये देखो पूरा एकदम ऐसे पहाड़ को काट के शिवलिंग बनाया गया है, काफ़ी बड़ा शिवलिंग है। तो यहाँ पे ना टोटल 9 गुफाएं बनी हुई है जिसमें से 2 गुफाएं हम देख के आ गए, और ये बहुत साल पुरानी गुफाएं हैं। और इधर है ना मुंबई, मुंबई के महाराष्ट्र के लोग हैं ना ज़्यादातर खासकर यहाँ पर चल के आते हैं देखने के लिए। तो महाराष्ट्र के लोग और दूर तो जाते नहीं है, नज़दीक में मस्त जगह है भाई। इधर सामने समुंदर दिख रहा है, पहाड़ भी है, सब कुछ है भाई। वीकेंड मनाने का सबसे बेस्ट प्लेस मेरे को लगता है मुंबई वालों के लिए तो ये रहने वाला है। और काफ़ी सारे लोग आए हैं, क्राउड देखो काफ़ी सारी भीड़ आई हुई भाई। गजिया वाली गुफा तो पूरी टूट चुकी है अंदर से, और इसके अंदर वैसे आना भी अलाउड नहीं है, मतलब बंद कर रखा है, फिर भी थोड़े बहुत लोग आते हैं। देखो पत्थर वत्थर है ना ऊपर से गिरते रहते हैं, कब ढह जाए कुछ आइडिया नहीं है। चलते हैं भाई इस तरह की मतलब पुरानी गुफाएं यहाँ टूट चुकी है, खंडर हो चुकी है पूरी, अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं है यहाँ पे। और जो मूर्तियाँ ना वो भी सारी टूट चुकी है, चले क्या तो टूटी फूटी है सारी, बनी हुई नहीं है खास कुछ, मतलब जैसे एलोरा की थी ना, एलोरा की देख के आए थे वो बड़ी तगड़ी बनी हुई थी, यहाँ तो सारी सारी टूट चुकी है, खंडर बन चुकी है। अब फिर भी मतलब लोग आते हैं, वैसे ठीक है वीकेंड पे आप आना चाहें ना तो आगे जा सकते हैं, बट इतना कुछ खास नहीं है मैं बता दूँ। हम आए थे भाई आइलैंड की वजह से, बोट पे जाके आएंगे, हमने रुकने का भी सोचा था बट रुकने की यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है और कैंपिंग वगैरह भी नहीं कर सकते यहाँ पे। अभी भाई गुफाएं देख के आगे अभी जा रहे हैं साइड सीइंग व्यू देखने के लिए, जिसके लिए अपने को देखो पूरा ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा। तो भाई वहाँ ज़्यादा टाइम नहीं लगा और ज़्यादा कुछ देखने को था नहीं, सीरियसली मेरे को अच्छा लगा। आपको कैसा लगा अंकल जी बताओ? मेरे को तो बकवास लगा है, बकवास लगा ना ये भाई सीरियसली, ये जो करेक्ट वाला रिव्यू है ना वो दे रहा हूँ मैं इस चीज़ का, मज़ा मेरे को तो बिल्कुल नहीं आया। ऊपर चढ़ के व्यू है वो देख के निकलते हैं वापसी। तो भाई 500 मीटर ऊपर जब हम आए ना तो ये देखो सामने तोप दिख रही है आपको, क्या भयंकर तोप है यार, कितनी विशाल तोप है, बहुत लंबी तोप है यार, वहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरी लंबी, लोग फोटो वोटो खिंचवा रहे हैं। और यहाँ से पूरा चारों तरफ सिर्फ समुंदर दिखता है दोनों तरफ, और कुछ भी नहीं है, हमको दिख रहा है आपको मैं भी नहीं दिखेगा, पर थोड़ा सा व्यू दिखाते हैं आपको भी। वो देखो भाई सामने की तरफ पानी वानी, ओनली पानी, ओनली वाटर, फुल ऑन वाटर के बीच में आ गए अपन।
फिर काफ़ी देर तक यहाँ पे ना बैठ के एंजॉय किया। मस्त जगह थी यार। ऊपर आने के बाद मेरे को ये जगह मेन अच्छी लगी, और बाकी तो नीचे कुछ खास नहीं लगा। यहाँ व्यू एंजॉय कर रहा हूँ यार, इतनी बड़ी बड़ी जहाज़ें हैं, बोट चल रही है भाई, समुद्र का भी एक अलग ही एंजॉय है, एक अलग ही नज़ारा है यार समुद्र देखने का। हाँ भाई यार, ये बंदर बड़े परेशान कर रहे हैं। दो पानी की बोतल लेगी और क्या लेने चाहते तुम मेरे से? बहुत गही करते हैं भाई ये बंदर लोग, कुछ भी खाने को नहीं देते, इधर छीन लेते हैं सब कुछ, बस इनको चाहिए। एक होता है इनके पास खाने के, दूसरा भी ले लेते हैं, मेरी तरह भूखे हैं ये लोग। ये देखो भाई, ये देखो ऐसे गही करता है ये ले। अरे मैं तेरे को कुछ बोला थोड़ी रे बाप, ये अभी आ जाता मेरे ऊपर, इसको दे रहा था मैं, ये ले साला कुतरिया अभी मेरे आज बंदरों ने मेरी ऐसे सी कर दी भाई, भग गए बाप रे, गलती माफ़ी मांगते हम नहीं करेंगे था। सो गाइस, सुबह जहाँ से गए थे वहीं वापसी शाम को आ गए हैं। आज हमने सोचा था कैंपिंग करने का बट नहीं किया, तो ये देखो भाई व्यू देख लो इधर सामने का, ये भाई स्टेशन है CSMT, और नाइट का व्यू देखो यार। आपने बहुत बार फोटो में देखा होगा, वीडियो में देखा होगा भाई, आज हम भी इस जगह पहुँचे, क्या नज़ारा है ना देखो, प्यारा यार, लाइटिंग कितनी खतरनाक कर रखी है। और ये देखो कई सारी बहुत सारी हमने मूवियों में भी इस व्यू को देखा हुआ हमने। और इस तरफ है महानगर पालिका, इसका भी भाई व्यू प्यारा आता है खतरनाक। तो यहाँ पे आए, वापसी जा रहे हैं, ट्रेन से जाएंगे भाई, लोकल ट्रेन से, रात का टाइम है, तो चलते हैं घर की तरफ। तो दोस्तों आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया, वीडियो को लाइक भी कर देना, कमेंट कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, जय भोलेनाथ, मुंबई घूम रहे भाई सपनों की नगरी, बाय बाय जी। तेरा पहुंच गया परिशा तो वर्षा दे, हिसाब दे बेर दासा तेरिया।